देखिए 10 अक्टूबर को हमें एक रिपोर्ट इस आशय की मिली उनके पिताजी पीड़िता के पिताजी की तरफ से कि उनकी बच्ची जब वो काम से घर लौटे तो उनको घर पे नहीं थी और उन्होंने आसपास में उन्हें ढूंढा और उनको नहीं मिली। और इतने में तकरीबन 1:30 बजे रात को कोई बुलेरो गाड़ी आई और उन्हें घर के आगे बच्ची को पटक कर चली गई। तो बच्ची काफ़ी सीरियस अवस्था में थी, उनके कपड़े भी अस्त व्यस्त थे और देख के प्रथम दृष्टि लग रहा था कि बच्ची के साथ कोई गलत कृत्य हुआ है और तुरंत उनको हॉस्पिटल ले जाया गया। और हमारे द्वारा FIR दर्ज की गई नामजद 4 मुलजिमों के खिलाफ और पिछले हमने 24 घंटे में 2 मुलजिम पकड़ लिए थे और अभी आज हमने 2 मुलजिम और पकड़ लिए हैं। तो नामजद चारों आरोपी पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिए गए हैं। घटना में प्रयोग हुई गाड़ी बुलेरो और मोटरसाइकिल वो भी पुलिस द्वारा जब्त कर ली गई है। पुलिस ने अपनी तरफ से पूरी कार्रवाई इसमें कर चुके हैं और अब उनका रिमांड लिया जाकर उनसे मौका तस्दीक करवाया जाएगा। पीड़िता की हालत कैसी है, अभी क्या है? पीड़िता को हालत अभी इतनी गंभीर नहीं है, वो खतरे से बाहर है और उनका इलाज एक बोर्ड ऑफ डॉक्टर्स हैं, 6 डॉक्टर्स हैं जो उनका इलाज कर रहे हैं। इसमें और भी घटना में शामिल लोग हैं या और भी कुछ नया खुलासा होगा? अभी हम इन लोगों से, जिन लोगों को हमने अरेस्ट किया है उनसे हम पूछताछ करेंगे और उनके जो भी सहयोगी हैं जिन्होंने उनको भगाने में उनकी सहायता की गई है, अगर उनका ऐसा कोई किसी भी व्यक्ति का ऐसा कोई भी रोल आएगा तो उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई करेंगे।